हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अन एकेडमी। सो बहुत सारे नीट एस्पायरेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। स्पेशली उनका एक बहुत मेजर सा प्रॉब्लम होता है जो कि सर फिजिक्स समझ नहीं आ रही, सर बायो तो केमिस्ट्री तो हो जाती है, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में बैंड बज जाती है। एंड फिजिक्स इज दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट जहाँ पे आप मतलब 1 महीने 2 महीने में उसको ठीक नहीं कर सकते। यू नीड अ बिल्डिंग फाउंडेशन ब्लॉक फॉर द सेम। एंड उसके लिए हम आपके लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ले आए हैं। वी हैव वन ऑफ इंडिया टॉप फैकल्टी अंकित गोयल सर, एंड इट इज माई प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस यू टू हिम। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताएं। भी ठीक ठाक सर। सर तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्या यूनिक कर रहे हैं जो नीट 2022 और 2023 एस्पायरेंट्स को मिलेगा? सर यहाँ पे मैं एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ दैट वी विल बी टीचिंग फिजिक्स इन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। जी सर, और मैं थोड़ा सा उस चीज़ में बिलीव रखता हूँ कि ट्रेडिशनल टीचिंग स्टिल होल्ड्स अ सर्टेन सेट ऑफ वैल्यू। यानी कि मेरा हमेशा से एम ये रहता है कि अगर मैं यूट्यूब पे भी टीच कर रहा हूँ तो वाई नॉट टीच इट लाइक अ क्लासरूम, ऑफलाइन क्लास है ना? तो बिल्कुल। बिल्कुल, अगर हम फिजिक्स डील कर रहे हैं डेफिनेटली विजुअलाइजेशन हैज अ सर्टेन रोल टू प्ले, बट टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस अ टीचर। तो मेरा एम इस चैनल के थ्रू बच्चों को रहेगा क्लासिकल वे में पढ़ाना, एट द सेम टाइम कुछ विजुअलाइजेशन कराना, चीज़ों को प्रॉप्स के थ्रू एनिमेशन के थ्रू बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि वो जी सर, कनेक्ट कर पाए चीज़ों को। बट एट द सेम टाइम मैं मानता हूँ अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैंक लाना है, स्टिल ट्रेडिशनल टीचिंग हैज़ एन अपर एज एज कम्पेयर टू द मॉडर्न वे ऑफ टीचिंग। तो मेरा ये रहता है कि ऑनलाइन में जब हम लोग आ रहे हैं तो वाई नॉट यूज टेक्नोलॉजी एज अ टूल रैदर देन यूज रिप्लेसिंग टीचर विद अ टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में आप देखोगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हो गए हैं जिन्होंने टीचर्स को ही कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। वीडियोज आर मोर और लेस ऑटोमेटेड, लेकिन आई डोंट थिंक कि दैट कैन बेसिकली रेज योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, बट दैट कांट हेल्प यू क्रैक अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्योंकि बिल्कुल सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्चुअली बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में कि वो क्वेश्चन को मिनिमम टाइम के अंदर क्रैक करे, सॉल्व करे, कैलकुलेशन भी अच्छी हो उसकी और एट दैट सेम टाइम कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो। तो मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश करूंगा और मैं इस बैच को रन करने की कोशिश करूंगा मोर लाइक अ ड्रॉपर बैच। तो हम लोग ओके शुरू करेंगे फिजिक्स के बेसिक से, जहाँ पे बेसिक मैथ्स बताएंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ अगर मैथ्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग रिलेट कर पाए चीज़ों से, जैसे मान लो अगर मैं डिफरेंशिएशन पढ़ रहा हूँ तो वाई नॉट रिलेटेड लाइक द ग्रोथ ऑफ अ सर्टेन ऑर्गेनिज्म टू इट, और ग्रोथ ऑफ लेट अस से कि बायो के अंदर अमीबा होगा, फिजन होगा, तो उन चीज़ों से अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो देन आई कैन विजुअलाइज वॉट इज द जी रोल ऑफ डिफरेंशिएशन इन रियल लाइफ। तो पहले मैं बेसिक मैथ्स बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट रेज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सबसे पहली चीज जिस पे बच्चे फिसल जाते हैं वो है मैथमेटिक्स। फिसलते रहते हैं सर पूरे साल। हाँ, जब मैं सर जी आईआईटी की तैयारी किया था ना तो मेरे को बड़ी दिक्कत आई थी शुरू में, क्या डिफरेंशिएशन चीज आ गई, कहाँ 10th में अपन प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे और इधर आके कैलकुलस में कूद पड़े। जी तो वो थोड़ा सा बच्चों के लिए ईजी करने की कोशिश करूंगा। आफ्टर दैट आई विल मूव टू वेक्टर्स। तो ये जब फिजिक्स का बेसिक कवर हो जाता है देन वी आर इक्वली कंफर्टेबल इन टीचिंग 11th एंड 12th। तो हम लोग ट्रू। 12th वाला रास्ता पकड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाली यूनिट पकड़ेंगे, एंड आफ्टर दैट वील सी हाउ इट गोज। ग्रेट सर, तो मतलब जो बेसिक प्रॉब्लम है आइडेंटिफाइड है यहाँ पे, जो ज्यादातर नीट एस्पायरेंट्स के लिए खास करके होते हैं, दैट इज द बेसिक मैथ्स। मतलब इनकी मैथ्स सही नहीं होती और ये बायो ले लेते हैं और फिर फिजिक्स में ये पूरे साल स्ट्रगल करते रहते हैं। तो बेटा, अगर आप हेड स्टार्ट देते हो अपने आप को तो यू कैन रियली पेस योर सेल्फ अहेड ऑफ एवरी वन एल्स, और आप इस बेसिक मैथ्स के प्रॉब्लम के चंगुल से निकल जाएंगे। देन कम्स योर कॉन्सेप्ट पार्ट, जिसको हम एलिविएट आपका इस चैनल पे कर ही देंगे। तो सर, ये चैनल कब से स्टार्ट हो रहा है? सर इस चैनल पे हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे आइदर फ्रॉम कमिंग मंडे और ट्यूसडे, ओके और क्लासेस का टाइमिंग हम लोग रखने वाले हैं 12:30 PM ऑन अ डेली बेसिस। तो वहाँ पे हम 1 से 1.5 आवर ड्यूरेशन की क्लास रहेगी। बाकी बच्चों को बहुत सारे शॉर्ट्स या शॉर्ट कॉन्सेप्ट की फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन लगातार मिलता रहेगा विच विल हेल्प देम रिकलेक्ट द कंसेप्ट। और ट्रू। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक प्रॉब्लम्स करेंगे। तो मैं बच्चों को ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा यार, अगर आपके दोस्त जेई की तैयारी भी कर रहे हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टू एंजॉय, क्योंकि देखो नीट वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो तो काफी बेसिक होंगे, तो वो बेसिक क्वेश्चन से एक बार बेस बन गया तो देन वी विल कंडक्ट स्पेशल सेशंस जिसमें कि हम अच्छे लेवल के तगड़े न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो वहां से वो जेई वालों के लिए मैं ये मानता हूँ कि क्या है बस नीट और जेई में फर्क, कि एक लेवल अप करना है प्रॉब्लम्स का। कंसेप्ट वाइज मैंने देखा चैप्टर्स, कॉन्सेप्ट, सिलेबस सब कुछ सिमिलर है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट है।
तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया से बनाएंगे, बट क्वेश्चन अलग अलग कराएंगे, नीट वाले बच्चों को और जेई वाले बच्चों के क्वेश्चन सेशन अलग रहेगा। ग्रेट सर। और सर चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम बच्चों आप लोग सर्च कर सकते हो, चैनल पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, काइनेटिक वाइब्स के नाम से चैनल है और यहाँ पे आपको बहुत पॉजिटिव वाइब मिलने वाला है फिजिक्स का, तो डेफिनेटली यू गाइस शुड शेयर इट। और इस चैनल को हम लोग ना बहुत जीरो लेवल से उठा रहे हैं, मतलब एकदम बेसिक से उठाएंगे और इसमें कोई बहुत ज़्यादा टीम भी इन्वॉल्व नहीं रहेगी, तो आप ही लोग इस चैनल के स्टूडेंट्स भी हो एंड एट द सेम टाइम यू गाइस आर द टीम, तो आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, कंटेंट की जिम्मेदारी हमारी है, बाकी शेयर करना उस पे, आपको स्प्रेड करना, अपने फ्रेंड्स को बताना इस बारे में, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। एक बार आप बेटा इंक्रीज करना स्टार्ट करो, आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स फॉर यू गाइस, वेदर इट मे बी थ्रू टेलीग्राम, यूट्यूब, आपको किस तरह से कंटेंट पहुंचाना है वो सारी चीजें मैं अरेंज कर दूंगा, क्योंकि एज अ टीचर आई थिंक सर वुड ऑल्सो अग्री कि सर जब एक बार बच्चा देखना शुरू करता है तो हमें भी इंटरेस्ट ज्यादा मोटिवेशन बढ़ मिलता है कि जाता है। ज्यादा करना है। ट्रू सर, ट्रू। वो तो है बिल्कुल, मतलब ये को डिपेंडेंट प्रोसेस है। जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे देखते हैं तो हमें एक इंथुजियाज्म के साथ हम पढ़ाते हैं, जैसे आपके ऑनलाइन क्लास में किसी दिन 5,000 बच्चे आ जाते हैं तो उस दिन आपका इंथुजियाज्म लेवल कुछ अलग ही होता है। तो दैट इज आर मोटिवेशन बच्चों। तो बच्चों इस चैनल को बहुत अच्छे से आप शेयर करो। दिस इज योर पॉकेट ऑनलाइन कम ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, समझ जाओ कि मतलब अभी कोविड के टाइम्स है और अभी से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको जैसे ऑफलाइन लेक्चर वाली फील है। 12:30 बजे आप अपना कॉपी लेके बैठ जाओ, बिल्कुल लैपटॉप खोल लो एंड आपके डाउट्स भी एड्रेस होंगे इनिशियली। अभी तो जब तक स्टूडेंट्स उतने ज्यादा नहीं आते तो आपके लिए दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल नीट एस्पिरेंट्स हु आर स्टार्टिंग नाउ, क्योंकि बिल्कुल अभी से पकड़ लोगे ये बैच तो आपका रिदम पकड़ा रहेगा, बहुत ज्यादा ओवरडोज आपको नहीं होगा। बिल्कुल आप छोटे छोटे चंक्स में फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से आप एड्रेस कर सकते हैं। तो बस आपका यहाँ पे ये है, आपको ना इसके लिए कुछ पैसे देने हैं। द ओनली थिंग दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज इट इज अ वेरी न्यू चैनल और वी वुड वॉन्ट मोर पीपल टू टेक द फुल एडवांटेज ऑफ इट। और सर के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, सर हम सर ने बताया नहीं, सर हैज सिक्योर्ड AIR रैंक 1 इन द एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो यू आर स्टडिंग फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो उसके लिए बी एश्योर्ड, मतलब आपको ये मौका, मतलब बहुत सारे इंजीनियर्स को इनसे पढ़ने का नहीं मिल पाता तो आपको ये मौका ड्यू टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो अवेल द बेस्ट ऑफ इट। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि मैं हमेशा स्टूडेंट से एक ही चीज़ बोलता हूँ यार, कि यूट्यूब पे हम लोग आपसे एक सिंगल रुपी चार्ज नहीं करते, तो वहाँ पे हमारी फीस होती है लाइक और शेयर, तो वो चीज़ करते जाया करो। अब उसमें भी मतलब क्या होता है ना कि हम ये कहते हैं यूट्यूब पे इनिशिएटिव्स किन बच्चों के लिए आते हैं, विच आर नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन, उनको हम लोग यूट्यूब के माध्यम से सारा रिसोर्स पहुंचाते हैं। तो बेटा यूट्यूब पे ना आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है, दिल का अमीर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप अगर उतना भी नहीं कर पाओगे तो एक्चुअली आई वुड से अ पर्सन इज नॉट सूटेबल और अ पर्सन इज वीक हु कांट इवन शेयर। पैसा तो यार आनी जानी चीज़ है, पैसा तो तुम पे कल आ ही जाएगा सक्सेसफुल हो गए तो, लेकिन ये एटीट्यूड जो है, ये एटीट्यूड डे वन से आपको कैरी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस इनिशिएटिव को पहुँचाना है और साथ लग के मेहनत करनी है। तो डेली आपको जो होमवर्क दिया जाए, जो आपको बोला जाए वो आपने करना है, जैसा सर ने बोला कॉपी पेन ला के लैपटॉप के आगे बैठ जाना, नोट्स बनाते चलना, डाउट्स पूछते चलना, हर चीज़ का आपको जवाब दिया जाएगा बेस्ट वे में, और आपकी क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी को एकदम बढ़िया तरीके से डील किया जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ कि 11th 12th में बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो सर इतना स्कूल टीचर कहीं ना कहीं दबा देते हैं, तो वो चीज़ आपके साथ नहीं हो पाएगी। एंड आई एम माई सेल्फ एन इंजीनियर और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाला पार्ट इतना इजी कर दूंगा खास करके कि आप लोग बहुत इजी वे में उसके क्वेश्चंस को टैकल कर दोगे, विद इन सेकेंड्स, विद इन 1 मिनट आप उसके क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन चाहिए और थोड़ा सा जो आप 10th वाले थॉट प्रोसेस में रहे हो अभी तक की 10th 11th में, कि भले ही रट लिए होंगे चीज़ों को, उससे थोड़ा तो निकलो, अप्लाई करना सीखो। बस यही फर्क होता है कि आप लोग बायो बहुत अच्छा कर जाते हो क्योंकि आपको पता है आगे काम आने वाली है, फिजिक्स थोड़ा सा कम काम आती तो उतना इंटरेस्ट देती नहीं है, और फिर फिजिक्स में अप्लाई करना पड़ता तो और बड़ी मुसीबत हो गई यार, यहाँ तो सोचने के लिए बोला जा रहा है, बट इतना टफ नहीं है चीज़ें, ढंग से समझोगे तो मैं आपको कुछ एक चीज़ें ऐसी भी बताऊंगा जो शायद 11th 12th में नहीं बताई जाती, बट दे कैन ईज द प्रोसेस। मतलब सर क्या समझ होता है, जब हम इंजीनियरिंग में जाते हैं तो यही सब कॉन्सेप्ट हमारे डेवलप होके आते हैं, तो बट वहाँ पे कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ एक ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जो शायद हमें ये लगता है जब हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं
कि अगर ये हमें 11th 12th में पता होता तो जो चीज़ हम इतना लंबे रास्ते से जा रहे थे उसको हम बिल्कुल बहुत छोटा कर दिए रहते। तो वो बिल्कुल सब आपको मिलने वाला है इस चैनल पे, इन सभी कॉन्सेप्ट्स में, लेक्चर्स में, ये सब चीज़ें रहेंगी। और आप लोगों का चैनल है तो आपकी डिमांड के हिसाब से चलेगा। आप बोलोगे कि सर डीपीपी ज़्यादा कराओ, क्वेश्चन ज़्यादा कराओ, ये एक्स्ट्रा दो, वो एक्स्ट्रा, सब कुछ होगा। द ओनली थिंग दैट वी नीड इज अटेंडेंस, अदर देन दैट नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। बाकी नीट वाले बच्चों के लिए आनंद सर ऑलरेडी अवेलेबल है ही हैं, तो सर बीच में एक आधा स्ट्रेटेजी सेशन कभी आपको गाइड जरूर करेंगे। तो इस चीज के चक्कर में मत रहना, देखो यार मैंने तो नीट क्रैक नहीं किया तो आई कांट टेल यू मच अबाउट द स्ट्रेटेजी, ये करो वो करो, वो सब फट्टे मैं नहीं पेलता हूँ सर। ऑनेस्टली जो चीज मैंने क्रैक नहीं की उसके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ। नाउ सर हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर, तो सर विल टेल यू द बेस्ट द स्ट्रेटेजी, बट वट आई कैन मेक श्योर इज कि आपका फिजिक्स पार्ट अच्छा हो जाए। सर स्ट्रैटेजी की जरूरत ही नहीं है, वंस यू आर एक्वेंटेड विथ ऑल द सब्जेक्ट्स और आपको सिलेबस का पता है कितना पढ़ना है ये पता है और प्रैक्टिस कर रहे हो, देर इज नो शॉर्टकट टू बी ए डॉक्टर और टू क्रैक एनी एंट्रेंस एग्जाम एज यू मस्ट ऑल्सो से। तो यहाँ पे यही है कि हार्ड वर्क इज द ओनली थिंग, ठीक है। अब एक साल का काम आप एक महीने में नहीं कर सकते, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो गिव योर सेल्फ अ हेड स्टार्ट, डिवोट योर दिस टाइम, मतलब दिन के तुम 2-2.5 घंटे तो फिजिक्स को दे सकते हो। तो अगर आपने 1-1.5 घंटे सर की लेक्चर की, आधे घंटे कुछ क्वेश्चंस कर लिए और उसके बाद अगले दिन वो डाउट को कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट कर दिया, अपनी अटेंडेंस आपने लगा दी कि सर आज मैंने इतने क्वेश्चंस किए और ये मेरा, तो दैट इज योर वे ऑफ इंटरेक्टिंग टू अस। तो हमारे लिए एक बड़ा हेल्दी सा अच्छा सा एटमोसफेयर हम यूट्यूब पे क्रिएट कर सकते हैं। अब तुम फिर पंचायती में घुस जाओगे कि ये सर नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बेटा रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, विल स्टार्ट विल हैव स्टार्ट विद द फाउंडेशन स्टोन। जितना हम पहले कराना है उतना आप कर लीजिए, उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अस, देर इज नो एंड ऑफ वॉट वी कैन गिव टू यू, इट इज जस्ट हाउ मच यू कैन ग्रास्प फ्रॉम अस, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। द वन थिंग दैट आई कैन अश्योर यू, यू आर स्टडिंग फ्रॉम द बेस्ट इन इंडिया, ठीक है। बाकी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।